हेलो गाइस, मैं हूँ सादिक। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस बैलून में कितना पानी भर सकता है। देखिए कितना बड़ा बैलून है। इसमें मैं डायरेक्ट मोटर से पानी भरूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से पानी भर दिया जाता है। वो भी एक्सपेरिमेंट रेजी एक्सोजनी भी करा है, मैं आज खुद करके दिखाऊंगा। मेरे पास इतना बड़ा बैलून नहीं, मेरे पास छोटा बैलून है। उन लोगों ने मास्टर बैलून से किया था, मैं आज छोटा बैलून से करूँगा। देखते हैं क्या होता है, कितना पानी भरता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैंने कुछ इस तरह से बांध लिया है। बांधने के बाद देखिए, देख सकते हो डायरेक्ट पाइप है, मोटर से आया हुआ है और मैं इसको टेप से बांधूँ क्योंकि ये चिपक जाए, क्योंकि इससे अच्छी तरह से चिपक जाए इस तरह से। और चिपकने के बाद अपना आप काम कर जाएगा इस तरह से, आप लोग देख सकते हैं। अभी देखना पड़ रहा है इसके अंदर कितना पानी जाएगा, इसलिए मैं इसको एक्सपेरिमेंट को कर रहा हूँ। देखना है कितना पानी जा सकते इसके अंदर। मैंने अच्छी तरह से बांध लिया है। बांधने के बाद अभी मैं मोटर स्टार्ट कर दूंगा। इसके अंदर पानी कितना जाएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैंने इसके अंदर पानी भर दिया। जैसे आप लोग देखिए कितना सा पानी जा रहा है। अभी देखना पड़ेगा कितना टाइम पानी जाएगा इसके अंदर। देखिए पूरा पानी जा रहा है इसके अंदर, डायरेक्ट मोटर से पानी जा रहा है। गाइस धीरे धीरे देखिए, आप लोग देखिए किस तरह से हो रहा है। गाइस देखिए धीरे धीरे कितना बड़ा हो रहा है। अभी कितना बड़ा होता है उसके देखने के बारी है। अभी फटेगा नहीं फटेगा वो अलग बात है। किस तरह से फट चुका है। अभी मैं फिलहाल मोटर बंद करके आते हूँ। गाइस आप लोगों ने देख लिया किस तरह से फट चुका है, ये पूरा फट चुका है क्योंकि इससे जितना पानी हो सका तो वो ले लिया, इससे ज़्यादा नहीं ले पाया क्योंकि ये छोटा बैलून है, इसलिए ज़्यादा नहीं ले पाया। फिलहाल ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, और कौन से टॉपिक पर आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कौन सा एक्सपेरिमेंट करूँ। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस तरह से वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।